अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर जिशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, मैंने आपको असाइनमेंट्स नंबर 3 तक तो आपको सारा एक्सेल क्लियर करवा दिया, जिसमें पिवट टेबल और फॉर्मेट टेबल थी। ठीक है, इसकी असाइनमेंट्स मैंने इसलिए दी ताकि आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाए और रिकवर भी सिलेबस होता चला जाए। आज हम सेक्शन इंसर्ट पर नया शुरू करने वाले हैं। जैसे कि देखें, पहले तो ये मेरी बात याद रखिएगा, जो बच्चों ने ये इंसर्ट सेक्शन जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसका लेक्चर फर्स्ट टाइम है, तो कुछ चीज़ें मैं इसमें भी बता दूंगा आप लोगों को। और कुछ ये लिंक आ रहा है एमएस वर्ड पे, मैंने इस सेक्शन को कनेक्ट करवाया क्योंकि वहाँ पे मैंने इसकी डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने, चलो मैंने पहले तो सोचा था कि ये साथ ही कनेक्ट करवा दूँगा, तो मैंने किया क्या कि मैंने कहा, सोचा कि एक टॉपिक से बना दें उसमें कनेक्ट करवा दूँगा, मगर थोड़ी सी आपको हाउ नो इसमें भी बता दूँगा। अब इसमें होगा क्या, एक साइड पे एमएस वर्ड को ओपन मैं करूँगा और दूसरी साइड पे एक्सेल को ओपन करूँगा। इन दोनों में जो चीज़ें सिमिलर होंगी वो कनेक्टेड आपको करके पहले हाईलाइट्स दिखा दूँगा कि देखें ये बच्चों सिमिलर ही हैं, फंक्शन सेम है। और ये लिंक, जैसे आई बटन का मैंने लिंक दिया इंसर्ट सेक्शन का, पिक्चर का, इसके बारे में मैं बताऊँगा। और ये किस तरह से होगा सारा काम, ये सारी की सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे आज के इस लेसन में, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताना है पिक्चर इंसर्ट और पिक्चर इंसर्ट की फॉर्मेटिंग। थोड़ी सी मैं एक्सेल की बता दूँगा, कुछ ये लिंक के इसकी डिटेल्स मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको दे दी है, सेम ही है, कैसे होगी देखते हैं। आए हमारे साथ, देर किस बात की। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। स्टूडेंट्स देखें, आज जो ये मैंने इंसर्ट पे आप लोगों को बताना है पिक्चर इंसर्ट का, लिखा हुआ है ऑनलाइन पिक्चर्स। यहाँ पे कोई भी आप ऑनलाइन पिक्चर से भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने देखे, जैसे कि मैं पहले भी ये लेक्चर दे चुका हूँ, जैसे मैंने बताया था, लाइक मैं ये एक कॉफ़ी कप या कोई ये बलून्स वगैरह, इनमें से कोई भी एक चीज़ ये बने हुए, ठीक है, एक पपीज़ सा बना हुआ है, मैं इसको एक ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी पपीज़ की कैटेगरीज आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है, अगर मैं इस डॉग पपीज़ के अलावा कोई और पिक्चर मुझे ये पसंद नहीं है, मैं किसी और को लाइक मैं चाहता हूँ कि चले मैं ये किसी फ्लावर को, ठीक है, ये फ्लावर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये इंसर्ट हो गया। देखिए, ये जैसे पिक्चर इंसर्ट हुई है, नोट करने वाली जो चीज़ है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस इंसर्ट पे लाइक ये पिक्चर है, इस पिक्चर पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस। दिस डिवाइस से मुराद है आपके कंप्यूटर पे जो पिक्चर जहाँ भी पड़ी होंगी, लाइक डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में, जो भी होंगी वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। जैसे कि ये मेरी पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, ये आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहीं पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये कॉपी पेस्ट पिक्चर को कॉपी करें और आप एक्सेल पे इंसर्ट कर सकते हो। सेम ये पिक्चर फॉर्मेटिंग है, ठीक है, जिस पे आपके सामने ये रिमूव बैकग्राउंड का पैटर्न है, ठीक है, ये आपके सब करेक्शंस हैं, लाइट डार्क या वेरिएशंस, जितनी भी आप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के हवाले से कर सकते हो। ठीक है, ये साथ ब्लैक एंड वाइट, कलरफुल, जैसी आपको पिक्चर पसंद हो आप यहाँ पे इसको कलर दे सकते हो। यहाँ पे इसके पास ऑप्शंस काफ़ी मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद इस वेरिएशन के बाद इफ़ेक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, ये आर्ट्स के इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, आप आर्टिस्टिक बना सकते हैं अपने इन पिक्चर्स को यहाँ से बआसानी। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं इसका साइज़ कम करने के लिए। ठीक है, चेंज पिक्चर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये रीसेट पिक्चर है, अगर कोई आपने चेंजिंग की होगी तो वो आ जाएगा। उसके बाद पिक्चर स्टाइल है, पिक्चर स्टाइल आपके सामने अपनी मर्ज़ी से, आप जिस तरह की मर्ज़ी चाहें यहाँ पे पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, चॉइस आपके पास है। ठीक है, ये प्रीसेट्स बने हुए हैं। उसके बाद इस पिक्चर के बॉर्डर्स हैं, आप यहाँ पे वेट लगा लें। ठीक है, वेट लगाने के बाद कोई कलरफुल लगाना है आपने, यहाँ पे कुछ भी कलरफुल लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स की में चले जाएं, ये प्रीसेट्स बने हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट सेट कर सकते हैं, लाइक ये जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इन प्रीसेट्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी खुद ब खुद उसने बना के रखी हुई हैं। ये देखें, आपकी स्क्रीन पर मूवमेंट हो रही है। उसके बाद शेडो बनानी है, आप शेडो बना लें। ठीक, इनर शेडो, आउटर शेडो। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्ट बनाना है, रिफ्लेक्ट वेरिएशन है, ये देखें आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ग्लो बनानी है, ग्लो बना लें। ठीक है, जो आपको पसंद हो। सॉफ्ट एजेस बनाने हैं, सॉफ्ट एजेस बना लें। ठीक है, अगर आप में से कम सॉफ्ट एजेस चाहिए आप यहाँ से भाई बना सकते हैं। एक लाइक मुझे दो फ्लावर चाहिए, मैं देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ये दो फ्लावर्स। अच्छा, इन दो फ्लावर्स में इफ़ेक्ट्स क्या है जी, मैं जो आपको चीज़ और बता देता हूँ।
इस इफेक्ट्स में आपने सॉफ्ट एजेस में जिस पर जाना है कम या ज़्यादा करने के लिए, इसकी कॉर्नर, इसको फैदर भी बोलते हैं, सॉफ्ट एजेस भी बोलते हैं। उसके बाद इसको बेवल टाइप करना है, ये बेवल टाइप हो जाएगी, ठीक है। ये सारे बेवल की टाइप्स है, जितनी भी बेवल की टाइप यूज़ होती हैं, ठीक है। सिक्स ये हैं, सिक्स ये हैं, ये 12 हैं। उसके बाद 3D डिमेंशनल है ये सारा। चूँकि ये MS वर्ड पे, जैसे कि बच्चों मैं दे चुका हूँ, मैंने लिंक पहले भी आपको शेयर किया था तो शुरू में, तो आप वहाँ से ये क्लास को डिटेल में लेना चाहें तो ले सकते हैं। MS वर्ड इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग है, वो मैं अभी ही आपके साथ क्लियर किए देता हूँ। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है alt टेक्स्ट। alt टेक्स्ट इसके साथ कोई भी टेक्स्ट आपने, कोई भी मैं नंबर वगैरह ऐड कर देता हूँ, ठीक है। alt टेक्स्ट मैं ऐड कर दिया इसका। अच्छा, उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन पे सिलेक्शन पैनल आ रहा है, अलाइनमेंट पैनल आ रहा है। लाइक मैं कंट्रोल से होल्ड करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ। ये देखिए, दो मेरे पास पिक्चर्स हो गई हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसकी दो पिक्चर्स ली हैं, ये फैदर ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। इसी तरह मैं इन फूलों को, ये आपके फ्लावर्स जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनका साइज़ कम या ज़्यादा चाहूँगा मैं, जैसे मर्ज़ी चाहूँ इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, जो मुझे पसंद होगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको यही करके बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, अब ये फ्लावर एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट कर रहे हैं और बड़े खूबसूरती से आपको आपके नज़र आ रहा है। अच्छा, फॉर्मेटिंग बार में और क्या हो सकता है जी? अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ये सॉरी ब्रिंग और ब्रिंग फ्रंट एंड ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पैनल है, ये मल्टीपल सिलेक्शन पैनल आता है, जिस किसी फ्लावर को यहाँ से इनेबल डिसेबल करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करें, फॉर्मेट पिक्चर टूल बार पर ही आ जाए। सिलेक्शन पैनल है, अलाइनमेंट पैनल है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ MS वर्ल्ड की स्क्रीन पे, जिस पे मैंने यही पिक्चर इंसर्ट की हुई, ऐसे ही एक और पिक्चर, और उस पे मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखें, MS वर्ल्ड आ गया मेरे सामने। इस MS वर्ल्ड पे जैसे ये पिक्चर इंसर्ट की गई है, आप गौर से देखिएगा कि इस फॉर्मेटिंग बार में, उस फॉर्मेटिंग बार में क्या चेंजिंग है। लाइक मैं इसमें इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये स्क्रीन का स्प्लिट समझ आ जाए। देखें, अब ये दोनों स्क्रीन्स आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। फ्रंट में मेरे पास एक्सेल है, बैक पे अब मेरे पास MS वर्ड है। जिसको भी मैं ऑन करना चाहूँ वो मेरे सामने स्क्रीन पे ऑन हो जाएगा। अच्छा, देखो ये देखें, ये सारी चीज़ें इसकी इसके साथ सिमिलर है। ये इसकी फॉर पिक्चर टूल बार फॉर्मेटिंग सिमिलर है, ये पिक्चर इसके साथ, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स इसके साथ सिमिलर है, कंप्रेस पिक्चर चेंज ये सारी इसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्टाइल्स। स्टाइल की सारी गैलरी जितनी भी आपके सामने आपको स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर पे ये पिक्चर बॉर्डर्स है, ये पिक्चर बॉर्डर भी कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, पिक्चर बॉर्डर्स के अलावा पिक्चर इफेक्ट है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। पिक्चर्स लेआउट हैं, लेआउट्स क्या हैं ये मैं आपको स्मार्ट आर्ट में भी बताया था। ये स्मार्ट आर्ट में भी चाहें आप ये देखें आपकी स्क्रीन पर स्मार्ट आर्ट की शक्ल में ये कन्वर्ट हो सकते हैं पिक्चर्स, ये लेआउट्स ही है। अच्छा, उसके बाद एक्सेल में और देखिए थोड़ी सी चीज़ें, ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, ठीक। अब जो चीज़ चेंज है वो मैं आपके सामने आपके गोशगवार कर देता हूँ। देखें, ये ब्रिंग फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ये ब्रिंग फॉरवर्ड, ये टेक्स्ट रैप है। ये MS वर्ड में पोजीशंस एंड टेक्स्ट रैप तो है, मगर एक्सेल में ये मौजूद नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको बतानी, सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से थोड़ा सा मुनफरद है ये, थोड़ी सी दो टूल बार के ये टूल कम है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट फैली हुई शीट है ग्रिड्स की शक्ल में। इस ग्रिड्स में जाहिर बात है कैलकुलेशन है, इसलिए इसके अंदर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है पोजिशन की और रैप की। आप अपनी मर्ज़ी से किसी पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद लोगो हो, लेटर हेड की टाइप हो, इन्वाइसिस हो, आगे चल के इन्वाइसिस भी आएंगी, तो उसको आप सेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे ये ब्रिंग फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन पैनल, अलाइन, ये अलाइन बटन है, रीस्टोर यानी कि सॉरी रोटेट वगैरह, रोटेट आ गया, क्रॉप आ गया, क्रॉप। अब देखें, ये सारी की सारी टूल बार इन दोनों में सिमिलर है। जस्ट मेरा जो हाईलाइट कराने का मकसद था वो जस्ट आपसे ये क्लियर करना था, आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि सर ने ये लेक्चर हमें इतनी डिटेल में क्यों नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताना था आपको जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं, बाकी ये डिटेल्स इस टूल के बारे में, टूल बार के बारे में, मज़ीद पिक्चर फॉर्मेटिंग के बारे में जाना चाहते हैं तो मेरा MS वर्ड का लेक्चर पढ़ा हुआ है मेरे इसी चैनल पर गैलरी में, उसकी प्ले लिस्ट ऑन करें, उसमें ये लेक्चर आप ले सकते हैं मेरे पास इंस्टेंट पिक्चर का, ठीक है जी। यही था आज का हमारा, आज का टॉपिक बेसिकली तौर पर यही हाईलाइट कराना था, ठीक है। आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं बाकी। अब जी बच्चों, देख लिया पिक्चर इंसर्ट करने का
ये जो पिक्चर इंसर्ट करने का मेथड है ये मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर किया थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेल पे हो सकता है कुछ बच्चे बिगिनर्स हों, यानी कि इससे पहले उन्होंने मेरी एमएस वर्ड की क्लास है वो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हों या ये वीडियो देखी हो, उनके लिए मैंने चलो सबके लिए आप लोगों के लिए रिपीट भी लेक्चर मिल गया और उन लोगों के लिए भी है, ठीक है। अब ये देखना यह है कि आपने इस एक्सेल पे इनको किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट करना है, किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ ये टेक्स्ट रैपिंग वाला सेक्शन थोड़ा सा चेंज है, इसमें नहीं है उसमें है, और तो और बाकी सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग वो सारी कंप्लीट है, वैसे ही है जैसे आपने एमएस वर्ड पे पढ़ी, कोई भी चीज़ नहीं है, चेंज नहीं है या कोई आपको परेशानी हो, कोई रॉकेट साइंस हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, ये जो स्क्रीन है हमारी इस पे हमारा जो इस वक्त सिस्टम फोकस मेरा जो सबसे पहले है इस वाले सेक्शन पे, इलस्ट्रेशन पे सेक्शन पे, इंशाल्लाह ताला ये सारा ही एमएस वर्ड के साथ कनेक्टेड होगा जो इन दोनों में सिमिलर होगा, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने अजीज़ों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं इंशाल्लाह ताला गाय बगा आपके पास अप टू डेट नए से नए लेक्चर लेके आता रहूँगा और नए से नए टॉपिक्स और नए से नए कोर्सेज, क्योंकि ये मैंने मेरा टारगेट है, मैं कोशिश मेरी यही कि 10 मिलियन लोगों को मैं ये अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर दूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।